यही से रूपा जी, जहाँ पर हमने कॉटन में तेजी बनते देखी है, बिनौला खल में इसका उल्टा होता नजर आ रहा है। जो 2800-2900 का टारगेट था, लेवल था, वहाँ से बाजार अब 2700 के दायरे में आ गया है। रूपा जी, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है कि हाजिर में तो बिनौला खल की प्राइसेस 3000 से 4000 रुपये क्विंटल के बीच में, लेकिन वायदा में 2000 से 3000 के बीच में, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, वहां पर जो है खरीदार है, लेकिन यहाँ पर अभी खरीदारी भी नहीं देखने को मिली है। और ये जो है कह सकते हैं कि इसमें हेजिंग की स्थिति जो है वो भी नहीं अपडेट हो रही है। अभी जो मार्केट है वो काफी जो है कह सकते हैं कि वॉलेटिलिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। वायदा में जरूर तेजी है, 3200-3000 के ऊपर भाव, जबकि वायदा के अंदर हम देख रहे हैं कि जुलाई वायदा भी आप देखिए तो 2850 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन वायदे के अंदर वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, खरीदारी नहीं देखने को मिल रही है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि डिमांड पिकअप यहाँ पर जो है पोजिशनें बनती नजर नहीं आ रही, जिसकी वजह से प्राइजेस लगातार नीचे हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि इसकी जो रेंज है वो 2700 से 3000 की ही देखने को मिल सकती है, और अभी भी मार्केट जो है वो करेक्शन में है, इसके अंदर बहुत ज्यादा फिलहाल तेजी बनती दिखाई नहीं दे रही है। जी,